वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है जैसे कि ये काम मत करो वो काम मत करो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और ये सेंटेंसेस जो हैं बहुत ही इजी होते हैं और आप इनको काफ़ी इजीली बोल सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड विदाउट प्रैक्टिस यू कॉन्ट स्पीक इन इंग्लिस सो लेट्स स्टार्ट विद मी देखिएगा जरा कि हमारे जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ठीक है इनको हिंदी में क्या बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य फिर देखिएगा ये जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं इन वाक्यों में मत नहीं कभी नहीं या फिर कभी मत शब्दों का हिंदी में यूज होता है यानी कि जब हम हिंदी के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारा जो है मत आता है नहीं आता है कभी नहीं आता है या फिर कभी मत आदि शब्द आते हैं ठीक है तो जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं उसमें क्या करते हैं देखिएगा कि जब हम नहीं और मत वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डोनोट का यूज़ करते हैं यानी कि हमें इसमें कुछ नहीं करना हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नोट लिखना है डू नोट या डोंट जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बहाने मत बनाओ ठीक है ना बहाने मत बनाओ तो डू नोट मेक एक्सक्यूजेज या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डोंट मेक एक्सक्यूजेज लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप डोंट मेक एक्सक्यूजेज ही बोलिएगा बिकॉज डोंट स्पीकिंग में ज्यादा बेटर माना जाता है ठीक है नेक्स्ट है यह शर्ट मत पहनो तो आप इसको कैसे बोलेंगे डोंट वियर दिस शर्ट डोंट वियर दिस शर्ट यह शर्ट मत पहनो ढक्कन मत खोलो डोंट ओपन द लिड डोंट ओपन द लिड नेक्स्ट है बक बक मत करो ये देखिएगा ये भी हम कई बार यूज कर देते हैं बक बक मत करो तो डोंट प्रैटल बक, बक करने की क्या है प्रैटल अब हम इसको बड़बड़ करना भी बोल सकते हैं और बक बक करना भी इसमें हमारा प्रैटल ही आएगा तो डोंट प्रैटल नेक्स्ट है हिचकिचाओ मत हिचकिचाने की क्या है हेजिटेट तो डोंट हेजिटेट हिचकिचाओ मत डोंट हेजिटेट फिर है ये मत करो डोंट डू इट डोंट डू इट ये मत करो ऐसा मत सोचो डोंट थिंक सो डोंट थिंक सो ऐसा मत सोचो मुझे कुछ भी मत बताओ डोंट टेल मी एनी थिंग डोंट टेल मी एनी थिंग मुझे कुछ भी मत बताओ शर्ट से मत पोछो तो डोंट वाइप योवर ऑन योअर शर्ट डोंट वाइप योवर ऑन योवर शर्ट नेक्स्ट है अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी इसको क्या बोलेंगे डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी नेक्स्ट है मामले को रफा दफा मत करो देखिएगा जरा कि कितना अच्छा सेंटेंस है ये मामले को रफा दफा मत करो इसे कैसे बोलेंगे डोंट हश अप द मैटर डोंट हश अप द मैटर लेकिन अगर हमें बोलना हो कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश मत करो या कोशिश मत करना तो हम इसको कैसे बोलेंगे डोंट ट्राई टू हश अप द मैटर डोंट ट्राई टू हश अप द मैटर फिर हमारा अब विषय मत बदलो डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाउ डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाउ अब विषय मत बदलो फिर है अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर नाउ डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर नाउ नेक्स्ट है कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज डोंट एम्बेरस मी प्लीज डोंट एम्बेरस मी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए नेक्स्ट है इसे दिल पर मत लो डोंट टेक इट टू हार्ट क्या बोलेंगे इसको डोंट टेक इट टू हार्ट फिर से यहां मत आना डोंट कम हियर अगेन डोंट कम हियर अगेन नेक्स्ट है वहां बाहर बारिश में मत खड़े रहो वहां बाहर बारिश में मत खड़े रहो डोंट स्टैंड आउट देयर इन द रेन डोंट स्टैंड आउट देर इन द रेन फिर आपका मुझे झूठी बातें मत बताओ डोंट टेल मी लाइज डोंट टेल मी लाइज नेक्स्ट है मुझे दोस्त मत दो डोंट ब्लेम मी डोंट ब्लेम मी दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब